नीतीश पर लालू का वार, नीतीश ने कर दिया है सरेंडर। बजट और विशेष राज्य दर्जे पर नीतीश को जमकर घेरा। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2024 का बजट पेश कर दिया, जिसके बाद से विपक्ष की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर हमले हो रहे हैं। विपक्ष ने इस बजट को पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं लालू यादव भी लगातार बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं। लालू यादव ने बजट के साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर नीतीश कुमार पर करारा वार किया है। लालू यादव ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। चलिए एक बार सुनते हैं लालू यादव ने नीतीश कुमार पर कैसा तंज कसा है। निराशाजनक रहा और ये मेरा पहचान के लेते लालू जी, नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। अब सवाल ये है कि लालू यादव ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल बजट पेश होने के ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने नहीं जा रही। ऐसे में जब उसके अगले दिन बजट पेश किया गया तो उस जख्म पर मरहम लगाने के लिए बिहार के लिए विशेष पैकेज की उस बजट में घोषणा की गई, जिसके बाद नीतीश कुमार काफी खुश भी दिखाई दिए थे। ऐसे में नीतीश कुमार पर भी ये जमकर वार होने लगे। बजट पेश होने के बाद नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, चलिए उसको एक बार सुन लेते हैं। चल रहा है तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे लगातार सब जगह, कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं, कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए, कितने भी कोशिश किए थे, लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने ही कह दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए बदल दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो सुना आपने, नीतीश कुमार अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से गमजदा नहीं है, बल्कि उनका ये बयान सुनकर अब यही लगता है कि केंद्र की तरफ से बजट में विशेष मदद मिलने की बात को ही वो विशेष राज्य के दर्जे की तरह मान रहे हैं। ऐसे में लालू यादव का नीतीश कुमार पर वार करना शायद पूरी तरह से वाजिब कहा जा सकता है, क्योंकि जब आरजेडी से गठबंधन को तोड़कर नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए से गठबंधन किया था, तब ये लग रहा था इस बार केंद्र सरकार उनकी बात मानेगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद बिहार का विपक्ष उन पर बुरी तरह से टूट पड़ा है, जिसमें लालू यादव भी शामिल हैं। और आज के पहले भी लालू यादव ने उन पर वार करते हुए उनसे इस्तीफा तक मांग लिया था। बहरहाल लालू यादव की तरफ से किए गए इस तंज के बाद अब नीतीश कुमार या फिर एनडीए की तरफ से लालू यादव को क्या जवाब मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।